Welcome students, as you know we were studying about the language of chemistry. The here how we write the chemical formula of any molecule or any compound we are discussing here. So what is chemical formula? The symbolic representation of a molecule of a substance, that may be element, that may be compound, it is called chemical formula. Just like here given carbon dioxide in your book and glucose, here is glucose given, formula of glucose and formula of carbon dioxide here given, na that how many atoms, one atom of the carbon, two atom of the oxygen, making here one molecule of the carbon dioxide. Here what happening, six atom of the carbon, 12 atom of the hydrogen and 6 atom of the oxygen, when combining in the fixed ratio making one molecule of the glucose. It is the chemical formula of the glucose, it is the chemical formula of carbon dioxide. How to write the chemical formula? Here is some rules. First, know very well, सबकी अपनी अपनी वैलेंसी होती है, सब जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी अपनी अपनी क्या होती है, वैलेंसी होती है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो किसी एलिमेंट की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, किसी की निगेटिव होती है. तो जिनकी पॉजिटिव होती है उनको लेफ्ट साइड में रखते हैं और जिनकी निगेटिव होती है उनकी राइट साइड में रखते हैं. देन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं. कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस टू होती है. क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, माइनस वन होती है, माइनस वन चार्ज होता है. तो ये किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में प्लस को रखते हैं और माइनस को राइट साइड में रखते हैं. देन अब एक दूसरे को यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए डायगोनल बनाया गया है, एक दूसरे का डायगोनल बनाया उल्टा. देन हम फिर क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी अब यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन को यहाँ राइट कर देते हैं और नंबर ऑफ वैलेंसी जो है उसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं. मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देंगे और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम को ट्रांसफ़र कर देंगे. यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो क्लोरीन क्या हो जाए, क्लोरीन के कितने एटम हो जाएंगे, 2. और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो मैग्नीशियम कितना एटम यहाँ रखेंगे, 1. इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. अब नेक्स्ट एग्जांपल यह है एल्युमिनियम सल्फेट. जैसा हमने कहा था कि क्या करते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं इधर रखते हैं लेफ्ट साइड में, जो नेगेटिव उसको रखते हैं उसको राइट साइड में रखते हैं. तो एल्युमिनियम पॉजिटिव है, सल्फेट ये क्या है, रेडिकल है, और ये इस पर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कहाँ रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे. अब देखिए एल्युमिनियम के का वैलेंसी यहाँ पे, इस एल्युमिनियम की वैलेंसी, एल्युमिनियम ऐसे वेरिएबल वैलेंसी क्रिएट करता है, बट यहाँ दिया है +3 और सल्फेट का -2. तो अब यहाँ पे एल्युमिनियम को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में, और सल्फेट को राइट साइड में. तो देन अब क्या करेंगे, अब दोनों की वैलेंसीज को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर लेंगे या नंबर ऑफ रेडिकल में कन्वर्ट. ये सल्फेट क्या है, रेडिकल है ना. तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, रेडिकल की 2 है. तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, सल्फेट पे 2 है तो नंबर ऑफ एटम कितने रखेंगे, 2. एल्युमिनियम के 2 एटम और सल्फेट को कितने एटम रखेंगे, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 3 रेडिकल्स है ना, यानी रेडिकल को हम ब्रैकेट में कर देंगे और इसके बाहर 3 राइट कर देंगे. देन क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट, इसको क्या रीडिंग करेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट. देन नेक्स्ट आता है सोडियम फ्लोराइड. सोडियम देखिए, सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, 1 वैलेंसी है, फ्लोरीन की 1 नेगेटिव वैलेंसी है. देन ये क्या हो गया, फिर वही रूल अपनाएंगे, देन क्या हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड वही चीज है, सेम चीज, पोटेशियम क्लोराइड. ओके, तो ये सारे रूल हैं क्या करने के लिए, केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए. देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर मास.
ये मॉलिक्यूलर मास आप ये जानते ही हैं, सबके जितने भी ये एटम्स हैं सबके अपने अपने क्या होते हैं, मास होते हैं, इनको एटॉमिक मास यूनिट में राइट करते हैं। देन सबके जितने भी कंपाउंड हैं सबके अपने अपने मास होते हैं, हर एटम का होता है, और जब वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है या मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो भी उसके अपने अपने मास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो अब क्या होगा, H2SO4 का कैसे निकालेंगे, यस का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। आपको पता होना, ये कुछ तो लर्न करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये आपको कुछ लर्न भी करना पड़ेगा, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली देन ऑटोमेटिक भी लर्न हो जाएगा, आपको बहुत लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। देन यहाँ कैसे निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसका सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, हाइड्रोजन का कितने एटम है 2, इसका 2 है, यहाँ पे जितने एटम हैं वो लिख देंगे 2, और इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है 1, 2 × 1, और फिर सल्फर आता है तो यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, सल्फर का एक ही एटम है तो 32, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4, और इसकी एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है 16। तो अब ये आपको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 × 2 और प्लस 32 और 16 × 4 = 64। तो देन ऐड कर लेंगे 98 AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली यहाँ ग्लूकोज का है, आप देख लीजिए, ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। अब इनको क्या किया गया, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 6 × 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, तो 12 × 1 हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 16 होता है, 6 एटम है तो 6 × 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 118 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब कुछ इसको ग्राम में भी लिखते हैं। अब जैसे अमोनिया ग्राम मॉलिक्यूलर है ना, मीन्स जैसे 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया मीन्स क्या, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 14 + 3 = 17। वाटर का क्या हो गया, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 18 ग्राम, हाइड्रोजन 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1। यहाँ वाटर में कितने हैं, वाटर में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, तो 2 × 1 = 2, और ये ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 = 18 ग्राम, यू कैन राइट 18 ग्राम। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे कुछ यहाँ पे सॉल्व एक्सरसाइज, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो सेम चीज़ें दी गई हैं, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे सारे एग्जांपल, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए, अब एक हम 12 नंबर एग्जांपल नंबर 12, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाउंड इन द सोडियम सल्फाइड, है ना, इसमें वाटर है कितने, 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर है, इसमें वाटर का परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट है। तो पहले हम टोटल वेट निकाल लेंगे, है ना, टोटल वेट किसका, सोडियम सल्फाइड का टोटल वेट निकाल लेंगे, तो सोडियम सल्फाइड का टोटल वेट कितना है, यहाँ 240 AMU, है ना, वाटर के साथ ही काम निकाल लेंगे, फिर विदाउट, फिर वाटर का निकाल लेंगे, वाटर का कितना है, तो फिर वाटर का निकाल करके फिर उसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा। अब पहले तो वाटर का भी निकालना पड़ेगा, वाटर का भी निकालेंगे तभी पता चलेगा, 9H2O कितना है, एक एक मालिक्यूल्स सोडियम सल्फाइड में वाटर के कितने मालिक्यूल हैं, 9 मालिक्यूल्स हैं, है ना, तो देन इसको 100, ये क्या आ जाएगा 162, क्या आ जाएगा 162, यहाँ पे वाटर का अलग से निकालेंगे कितना आएगा 162। देन परसेंटेज ऑफ द वाटर इन सोडियम सल्फाइड, ये परसेंटेज कितना है, तो निकालेंगे 162/244 × 100, मीन्स 67.5%। ओके, ये परसेंट निकाला किसी, मीन्स सोडियम सल्फाइड में वाटर कितना है,
67.5% है। किसके अकॉर्डिंग? वेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग। इसमें ये कितना है? वाटर 67.5% है। ओके, वैसे ये नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, 2.5 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड वाज हीटेड विद ओनली 1.7 ग्राम एनहाइड्रस रिमेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर वाज इन द हाइड्रेट? क्या होगा वो दोनों का फिर निकाल लेंगे, है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर इन हाइड्रेट, है ना, और उसको फिर क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये परसेंटेज निकल जाएगा। यू कैन सॉल्व हियर देयर सम एग्जांपल्स आल्सो एक्सरसाइज गिवन, यू कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट वीडियो अगेन आई विल डिस्क्राइब यू इन डिटेल ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।